नमस्कार साथियों, मैं भानुप्रिया बैरागी जीएलसी आईएएस से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। तो मेंस की इसी सीरीज में देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्रो लाइट ऑन द चोला विलेज सभा एडमिनिस्ट्रेशन एज डिस्क्राइब्ड इन उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन। तो हमें यहाँ चोलास विलेज सभा एडमिनिस्ट्रेशन पर हमारा आंसर लिखना है। तो देखते हैं हम हमारा इंट्रो। द चोलास केम इंटू प्रोमिनेंस इन 9th century अंडर विजयालय हु फाउंडेड चोला एम्पायर इन साउथ इंडिया। चोला वॉज फेमस फॉर देयर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो इसमें मैंने लिखा है कि जो चोल एम्पायर है उसका उदय हुआ 9th century में विजयालय के द्वारा, और ये जो चोल डायनेस्टी साउथ इंडिया में इमर्ज्ड हुई थी। और जो इनकी सबसे फेमस बात थी तो वो ये थी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये पहली ऐसी डायनेस्टी थी पूरे इंडिया में जिसने सबसे पहले लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का यूज़ किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चोलास अकॉर्डिंग टू उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन। तो चोलास का एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। चोलास डिवाइडेड इंटू 3 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। तो ये 3 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड थे। पहली थी सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी थी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और तीसरी थी लोकल गवर्नमेंट। इसी को मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है कि राष्ट्रियम। राष्ट्रियम मतलब कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि जो राष्ट्रियम थे वो 8 मंडलम में डिवाइड थे। मंडलम मीन्स प्रोविंस, या अभी फिलहाल की नज़र में देखें तो स्टेट। और ये जो प्रोविंस थे या जो मंडल थे वो वालानाडु में डिवाइड थे। वालानाडु मीन्स कि डिस्ट्रिक्ट। और फिर वालानाडु जो थे वो नाडू में डिवाइड थे, नाडू मतलब तहसील। और नाडू जो थे वो कुर्रम्स या विलेज में डिवाइड थे। तो उर्स या कुर्रम्स दोनों बोलते हैं विलेज को। तो नाडू जो थे वो उर्स या कुर्रम्स। एक बार फिर देख लीजिए, पहले सबसे पहले आते हैं राष्ट्रियम। राष्ट्रियम डिवाइड होता है 8 मंडलम में। 8 मंडलम जो है वो वालानाडु में डिवाइड है। वालानाडु नाडूज में है और नाडू जो है वो उर्स या कुर्रम्स में डिवाइड है। अब द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज हेडेड बाई किंग, द चोल किंगशिप वॉज हेरिडिटरी। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन था चोलास का, उसमें जो सबसे टॉप या जो सबसे टॉप पोस्ट होती थी वो होती थी किंग की। और जो वहाँ पर किंग बनता था वो हेरिडिटरी बेस पे ही बनता था। टाइगर वॉज द रॉयल एम्ब्लेम ऑफ चोला किंग। तो जो चोलास का प्रतीक चिन्ह था वो था टाइगर। टाइगर इन्हें टाइगर के एम्ब्लेम से इनको शो किया जाता था। किंग असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और जो किंग है उसके असिस्टेंस के लिए या उनकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी होती थी। द लोअर ऑफिशियल्स वर कॉल्ड सिरुन तारम। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो लोअर ऑफिशियल्स थे या जिन जो लोअर पद वाले लोग थे उनको सिरुन तारम कहा जाता था, और हायर ऑफिशियल्स कॉल्ड पेरुन तारम। तो जो हायर ऑफिशियल्स थे उनको पेरुन तारम और जो लोअर ऑफिशियल थे उनको सिरुन तारम कहा जाता था। राष्ट्रियम हेडेड बाय किंग, मंडलम्स हेडेड बाय वायसरॉय और गवर्नर, नाडू हेडेड बाय नत्तर, और विलेज या उर्स हेडेड बाय ग्राम सभा विच कैरिड बाय वरियम्स। तो जो राष्ट्रीय सबसे बड़ी यूनिट जो है राष्ट्रियम, उसका जो हेड होता था वो किंग होता था। फिर जो राष्ट्र होते हैं वो मंडल्स में डिवाइड होते थे। तो ये मंडलम्स का हेड जो होता था वो वायसरॉय या गवर्नर होता था। फिर मंडलम्स जो है नाडू में डिवाइड होते थे, तो नाडू का जो हेड होता था वो नट्टर होता था। और नाडू विलेज या उर्स में डिवाइड होते थे, तो उर्स या विलेज का हेड होता था, जो हेड करते थे उन्हें ग्राम सभा करती थी, जो ग्राम सभा वरियम्स के द्वारा कैरी करी जाती थी। अब इसका कंक्लूजन आप लोग लिखिएगा, और ये हमारा आंसर हुआ। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मुगल मिलिट्री सिस्टम। तो हमें मुगल मिलिट्री सिस्टम का डिस्क्रिप्शन देना है। तो रीड करते हैं इसका इंट्रो। द मुगल रूलर्स मेंटेन्ड अ लार्ज एंड इफिशियंट आर्मी टिल द रेन ऑफ औरंगजेब। द आर्मी ऑफ मुगल एम्पायर वॉज द फोर्स बाय विच द मुगल एम्परर्स इस्टेब्लिश देयर एम्पायर। तो जो मुगल रूलर्स थे उन्होंने बहुत बड़ी आर्मी इफिशियंट आर्मी मैनेज करके रखी थी। कब? जब तक औरंगजेब था, औरंगजेब के रूल तक उनकी आर्मी काफ़ी पावरफुल थी। और द आर्मी ऑफ मुगल एम्पायर वॉज फोर्स बाय विच द मुगल एम्परर्स इस्टेब्लिश देयर एम्पायर। तो जो मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ तो उसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रोल आर्मी ने ही प्ले किया,
तो ये आर्मी या फिर इनकी जो फोर्स थी उनकी हेल्प से ही एक मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश हो सका। तो कैटेगरीज ऑफ आर्मी, तो मुगल एम्पायर में जो आर्मी थी वो किस किस कैटेगरी में थी, तो तीन कैटेगरीज थी इनकी। पहली थी मनसबदारी सिस्टम के अंदर जो आर्मी आती थी वो, दूसरी अहादी आर्मी, और तीसरी दाखिली सोल्जर। तो पहला मनसबदारी सिस्टम में देखते हैं। इट वॉज द बैकबोन ऑफ मुगल एम्पायर। इन इट एवरी मिलिट्री ऑफिस वॉज गिवन अ मनसब एंड वॉज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स, हॉर्समैन एटसेट्रा। तो जो मनसबदारी सिस्टम है इसे मुगल एम्पायर की बैकबोन कहा गया है। तो मनसबदारी सिस्टम में क्या होता था कि हर मिलिट्री ऑफिस को एक एक मनसब प्रोवाइड किया जाता था और हर मनसब को अपनी एक स्पेशल सोल्जर और हॉर्समैन और एक अलग ही आर्मी मेंटेन करके रखनी पड़ती थी। दूसरी होती है हमारी अहादी आर्मी। इट वॉज मेंटेन्ड बाई एम्परर। द अहादी सोल्जर्स रिसीव्ड हायर सैलरीज देन अदर आर्मी। तो अहादी आर्मी जो है ये एम्परर, जो मेन एम्परर होता था उसके अंदर ही होती थी, वही मेंटेन करता था इसे। और जो अहादी में सोल्जर्स होते थे उनको जितनी भी आर्मीज थी वहाँ पर उन सभी से ज़्यादा सैलरीज मिलती थी। तीसरे थे हमारे दाखिली सोल्जर। दे वर रिक्रूटेड ऑन बिहाफ ऑफ एम्परर बट वर अंडर द चार्ज ऑफ मनसबदार। तो इनका जो रिक्रूटमेंट या इनकी भर्ती जो होती थी वो तो जो एम्परर है उसके बिहाफ में होती थी, बट इनका जो मैनेजमेंट सिस्टम पूरा देखता था वो मनसबदार जो थे वो देखते थे। अब परमानेंट आर्मी ऑफ मुगल। अब मुगल्स की परमानेंट आर्मी में कौन कौन थी, इसमें थी इन्फेंट्री, दूसरी थी कैवेलरी, तीसरी आर्टिलरी, चौथी नेवी और एक थी वॉर एलिफेंट्स। ये इनके परमानेंट आर्मीज में थी, मतलब इसमें एक पैदल सेना होती थी, एक तोप वाली सेना होती थी, एक हॉर्स वाली सेना थी, एक एलिफेंट वाली थी। ये सभी मुगल में परमानेंट आर्मीज थी। तो इसमें है कैवेलरी। कैवेलरी आर्मी जो थी उसमें मतलब हॉर्स होते थे, हॉर्समैन। तो इसके अंदर भी कैवेलरी को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक थी बारगीर और एक थी सिलेदार। बारगीर वो होते थे द सोल्जर्स हु रिसीव्ड हॉर्सेस, आर्म्स, ड्रेसेस एटसेट्रा फ्रॉम स्टेट। बारगीर मतलब वो सोल्जर जिनको हॉर्स, आर्म्स और जो ड्रेसेस, हथियार जो भी है वो हर चीज़ स्टेट प्रोवाइड करता था। और सिलेदार द सोल्जर्स हु ब्राउट देयर ओन हॉर्सेस एंड आर्म्स। तो जो सिलेदार थे उनको अपने खुद के हॉर्स और खुद के हथियार लाने पड़ते थे, और जो बारगीर थे उनको हॉर्स और आर्म्स, ड्रेस वगैरह सब कुछ स्टेट प्रोवाइड करता था। दूसरी सेना थी इन्फेंट्री। इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन टू टाइप्स। तो जो इन्फेंट्री है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड थी, एक बंदूकची और दूसरी थी शमशीरबाज। तो जो बंदूकची होते थे ये राइफलमैन होते थे, इनके पास राइफल्स होती थी, और जो दूसरे शमशीरबाज थे ये स्वॉर्ड्समैन होते थे। स्वॉर्ड्समैन मतलब जिनके पास तलवारें होती थी। और दूसरी थी हमारी वॉर एलिफेंट। वॉर एलिफेंट दिस वर यूज्ड फॉर फाइटिंग एज वेल एज कैरिंग लोड। तो जो वॉर एलिफेंट जो अलग आर्मी थी वो फाइट करने के लिए भी यूज़ होती थी, और साथ ही साथ जो भारी सामान होता था उसको ढोने के लिए भी ये यूज़ होते थे। एक थी इनकी आर्टिलरी। आर्टिलरी भी दो पार्ट्स में डिवाइड थी, एक जिंसी और एक दस्ती। तो जिंस में थी दिस वर हैवी गन्स, मतलब इनके पास जो जिंसी होते थे इनके पास हैवी गन्स होती थी, और दस्ती जो होते थे इनके पास लाइट वेटेड गन होती थी। और जो लास्ट है हमारी नेवी। द नेवी ऑफ मुगल वॉज वेरी वीक एज कम्पेयर टू द यूरोपियन। तो जो नेवी होती थी सबको पता है जो वाटर आर्मी होती वो नेवी, और परंतु जो मुगल काल में जो नेवी थी वो काफ़ी वीक थी बाय एज कम्पेरिजन टू अदर आर्मीज। ये वाला हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। इसका भी कंक्लूजन आप अच्छे से लिखिएगा, जो सारा इम्पोर्टेंट कंटेंट था वो मैंने इसमें डाला है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जहांगीर। सबको पता है चित्रकला का काल जहांगीर के काल को कहा जाता है, तो हमें यहाँ पर जहांगीर के काल में जो पेंटिंग्स का डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में लिखना है। तो अब इसका इंट्रो पढ़ते हैं। जहांगीर हैड एन आर्टिस्टिक इंक्लिनेशन एंड ड्यूरिंग हिज रेन मुगल पेंटिंग्स डेवलप्ड फर्दर एंड रिच्ड इट्स क्लाइमेक्स ऑफ ग्लोरी। तो जो जहांगीर था उसका आर्ट की तरफ काफ़ी ज़्यादा इंक्लिनेशन था, और इनके रेन में
आर्ट्स का जो आर्ट थी या पेंटिंग थी इसका बहुत ही डेवलपमेंट हुआ और वो काफ़ी आगे बढ़ी, और जो इसके टाइम पे पेंटिंग्स थी वो उनके क्लाइमेक्स पॉइंट पर पहुंच गई थी, पीक पॉइंट पर पहुंच चुकी थी, उनकी ग्लोरी काफ़ी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी उसमें। देखते हैं इसको, यूरोपियन आर्ट। जहांगीर लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय यूरोपियन पेंटिंग, सो ही ऑर्डर्ड हिज पेंटर्स टू फॉलो अ सिंगल पॉइंट यूज्ड बाय यूरोपियन आर्टिस्ट। तो जो जहांगीर था वो यूरोपियन आर्ट से काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ, काफ़ी प्रभावित हुआ, और उसने अपने जो पेंटर्स थे उन लोगों को कहा कि फॉलो अ सिंगल पॉइंट यूज्ड बाय यूरोपियन आर्टिस्ट। उन्होंने अपने पेंटर्स को वो सारे पॉइंट्स फॉलो करने के लिए कहा जो एक यूरोपियन आर्टिस्ट फॉलो करते थे। दूसरा है नेचुरल सीन्स। जहांगीर हैड अ ग्रेट फैसिनेशन ऑफ नेचर एंड अ डिलाइट इन पोर्ट्रेचर ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स एंड फ्लावर्स। तो जो जहांगीर था उसका आकर्षण नेचर की तरफ बहुत ज़्यादा था, वो प्राकृतिक चीज़ों से काफ़ी आकर्षित होता था, तो उसके जो बहुत सारे पोर्ट्रेचर जो भी उनकी पेंटिंग्स वगैरह बनी हुई है उसमें अक्सर बर्ड्स, एनिमल्स, फ्लावर्स और इस तरह नेचुरल चीज़ें ही देखने को मिलती है। दूसरा, तीसरा है इनके पेंटर्स, फेमस पेंटर्स इन कोर्ट ऑफ जहांगीर। तो जो कुछ फेमस पेंटर्स थे जहांगीर के दरबार में वो देखते हैं। एक थे अबुल हसन, एक मंसूर, एक अकारीजा और एक दौलत बिसंदाज। जॉब फॉर आर्टिस्ट, आर्टिस्ट विथ इन्फीरियर मेरिट लॉस्ट जॉब। तो कभी कभी ऐसा होता था कि अगर कोई आर्टिस्ट है उसकी मेरिट जो है काफ़ी लो आ रही है तो उसको कभी कभी जॉब से हाथ भी धोना पड़ जाता था। The artist who employed in imperial government known as a first grade artist. जो artist imperial government में appoint होता था या वहाँ पर काम करता था उसे first grade artist कहा जाता था। Sometimes inferior artist available to the province. कभी कभी inferior artist को job से न निकाल कर और province में उन्हें painting बनाने के लिए रख लिया जाता था। Synthesis ऑफ इंडियन एंड पर्शियन आर्ट। तो सिंथेसिस मतलब यहाँ पर इंडियन और पर्शियन आर्ट दोनों का मिश्रित करके जो एक सिंथेसिस जो एक संश्लेषण बनता है वो। तो द मुगल रूलर्स ब्राउट पर्शियन पेंटर्स विथ देम, सो कोलेबोरेशन ऑफ इंडियन एंड पर्शियन आर्ट रिजल्टेड इन द सिंथेसिस। तो मुगल रूलर जो थे वो पर्शियन पेंटर्स को भी अपने साथ रखते थे काम में, जिससे कि इंडियन और पर्शियन दोनों आर्ट का कोलेबोरेशन हो सके और एक नई आर्ट कुछ नया सिंथेसिस डेवलप्ड हो सके। अगला है एबंडेंट यूज ऑफ कलर्स। गोल्डन कलर्स कंसिडर्ड टू बी द सिंबल ऑफ प्रोस्पेरिटी ऑफ मुगल्स। तो वो जो उस एबंडेंट यूज ऑफ कलर्स, उनके पेंटिंग्स में जो बहुत से कलर्स का यूज़ होता था उसके बारे में पॉइंट लिखा है यहाँ पर, कि जो गोल्डन कलर है उसको मुगल काल में प्रोस्पेरिटी समृद्धि का सिंबल माना जाता था। पेंटिंग एज अ गिफ्ट। जहांगीर केम इन टू कॉन्टेक्ट विथ इंग्लिश क्राउन एंड वॉज सेंट गिफ्ट्स ऑफ ऑयल पेंटिंग्स लाइक किंग्स एंड क्वींस पोर्ट्रेट। तो जहांगीर के काल में पेंटिंग्स को एज ए गिफ्ट के फॉर्म में भी यूज़ किया जाता था। जहांगीर जो इंग्लिश क्राउन थे उनके कांटेक्ट में आ गया था, ब्रिटिशर्स आए थे जहांगीर के टाइम पर, तो जहांगीर ने जो ब्रिटिश थे उन लोगों को गिफ्ट के फॉर्म में ऑयल पेंटिंग्स सेंड करी जिनमें किंग्स और क्वींस के पोर्ट्रेट बने हुए थे। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ जहांगीर, जहांगीर नामा है सेवरल पेंटिंग्स, एग्जाम्पल फाइट्स बिटवीन स्पाइडर्स, सेंट विथ टाइग्रेस एट्सेट्रा। जहांगीर की जो ऑटोबायोग्राफी है जहांगीर नामा, उसमें भी कई पेजेस पर पेंटिंग्स ड्रॉ की गई है, जैसे कि एक पेंटिंग देखी थी उसमें कि फाइट्स बिटवीन स्पाइडर्स, स्पाइडर्स के बीच में फाइट हो रही है, सेंट विथ टाइग्रेस, किसी एक टाइग्रेस के साथ एक कोई सेंट है, इस तरह की बहुत सारी पेंटिंग्स भी उसकी ऑटोबायोग्राफी में मिली है। अ पेंटिंग लवर जहांगीर मेक द ब्रश वर्क फाइनर एंड कलर्स लाइटर एंड पॉपुलराइज हिज पीरियड एज अ पीरियड ऑफ पेंटिंग। तो जो पेंटिंग लवर जहांगीर है उन्होंने ब्रश वर्क को काफ़ी फाइन मतलब बहुत बारीकी से ब्रश वर्क ब्रशेस का यूज़ करके यूज़ किया पेंटिंग को एंड कलर्स लाइटर, और वो लाइट कलर पसंद करता था और ब्रश वर्क काफ़ी फाइन मतलब बहुत गहरा बारीकी से वर्क होना चाहिए और कलर लाइट होना चाहिए
इस तरह की पेंटिंग्स उनको पसंद करते थे एंड पॉपुलराइज हिज पीरियड एज ए पीरियड ऑफ पेंटिंग, और उनके इस काल को उन्होंने चित्रकला का काल या पेंटिंग के पीरियड के रूप में इसे फेमस किया है। तो आज के क्वेश्चन हम यही समाप्त करते हैं, धन्यवाद।